दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं हॉलीवुड के एक ऑस्कर विनिंग मूवी द रेवेनेंट को, जो एक सर्वाइवल मूवी है जो साल 2015 में रिलीज हुई थी और ये मूवी आज तक 3 ऑस्कर अवार्ड भी जीत चुकी है। साथ ही इस मूवी की IMDb रेटिंग 8/10 है और 86% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक भी किया है, जिससे ये पता चलता है कि आखिर ये मूवी कितनी अच्छी है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस मूवी का एक्सप्लेन शुरू करते हैं। दोस्तों मूवी की शुरुआत में हम एक घने जंगल में ग्लास और कुछ लोगों को देखते हैं जो दरअसल जंगली जानवरों का शिकार कर रहे थे और वहीं कुछ लोग उन जानवरों की चमड़ी निकाल रहे थे। दरअसल वह सारे लोग जंगली जानवरों की चमड़ी बेचकर ही अपना गुजारा करते थे, मगर तभी वहां कुछ आदिवासियों ने उन सभी पर हमला कर देते हैं क्योंकि उन आदिवासियों को लगता था कि उनकी एक लड़की को इन्हीं लोगों ने किडनैप किया है। हमले में ग्लास के बहुत से साथी मारे जाते हैं। ग्लास अपने सभी साथियों को वोट पर जाने के लिए कहता है ताकि वह सारे जान बचाकर वहां से भाग सके। ग्लास का कैप्टन, जिसका नाम एंड्रिया हेनरी होता है, वो ग्लास को यहां से बचकर निकलने के लिए रास्ता पूछता है। ग्लास उन्हें बताता है कि अगर वो पानी के रास्ते से जाएंगे तो आदिवासी उन्हें ढूंढ लेंगे, इसलिए उन्हें जंगल के रास्ते से ही जाना चाहिए। लेकिन उनका एक साथी जॉन इस बात पर सहमत नहीं होता है, लेकिन कैप्टन ग्लास की बात पर एग्री करता है और थोड़ी दूर जाने के बाद कुछ लोग वोट से उतर कर जंगल की ओर चलने लगते हैं। जबकि ग्लास और उनके साथी जंगल की ओर बढ़ रहे होते हैं तभी उनका कप्तान एंड्रिया बोलता है कि हमें इन खालों को यहीं छुपा देना चाहिए क्योंकि हमें अभी काफी लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। और तभी उनकी नजर उस बोट पर पड़ती है जहां उनके कुछ दोस्त बोट पर रह गए थे जो आदिवासियों का शिकार हो चुके हैं और बोट को आदिवासियों ने आग लगा दिया है, जिससे पता चलता है कि ग्लास ठीक ही कह रहा था। और फिर बाकी सभी जंगल के रास्ते से जाने लगते हैं और कहीं दूर चलने के बाद एक जगह आराम करने के लिए ठहरते हैं। अगले दिन ग्लास अपना गन लेकर शिकार पर निकल जाता है। तभी ग्लास को सामने की ओर से दो भालू के बच्चे दिख जाते हैं और फिर ग्लास उन पर निशाना लगाने ही वाला था कि तभी पीछे से भालू की माँ आ जाती है। भालू ग्लास को देख लेती है और फिर भालू तुरंत ही ग्लास पर हमला कर देता है। ग्लास भालू से बचने के लिए काफी कोशिश करता है लेकिन भालू ग्लास को पूरी तरह से जख्मी कर देता है। अब ग्लास मरने की एक्टिंग करने लगता है तो फिर मादा भालू उन्हें मरा समझकर कुछ देर के लिए वहां से अपने बच्चे के पास चली जाती है। तभी ग्लास किसी तरह अपने बंदूक के पास पहुंच जाता है और भालू पर निशाना लगाता है और फिर एक गोली भालू को लग ही जाता है। भालू को गोली लगने पर भालू पागल सा हो जाता है और वह अपने पंजों से ग्लास को चीर देता है। ग्लास अपने चाकू से लगातार भालू पर हमला करता रहता है और फिर कुछ देर बाद भालू मर जाता है। कुछ समय बाद ग्लास के साथी उसे ढूंढते ढूंढते वहां तक आ जाते हैं और उसे ऐसी हालत में देखकर चौंक जाते हैं। अब ग्लास के साथी उसे वहां से ले जाते हैं और उसके शरीर से निकल रहे खून को रोकने के लिए टांके लगाते हैं। ग्लास के शरीर का कोई हिस्सा ऐसा नहीं होता है जहां भालू ने हमला ना किया हो। टांके से होने वाले दर्द को ग्लास सह नहीं पाता है, जिसके चलते वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। दूसरी ओर मूवी में दिखाया गया है कि आदिवासियों का सरदार एक फ्रेंच राजा से बातचीत कर रहा होता है। आदिवासी उन्हें चुराई हुई खाल ऑफर करते हैं और बदले में 3 घोड़े और बंदूक की मांग करते हैं ताकि वह अपनी बेटी को बचा सके। दूसरी ओर ग्लास की हालत अब बहुत ही खराब हो चुकी है और उसके साथी ग्लास को और आगे नहीं ले जा सकते हैं। उनका एक साथी जिनका नाम जॉन है, वो ग्लास को यहीं पर छोड़ने की बात करता है। साथ ही कैप्टन को कहता है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो आदिवासी उन्हें ढूंढ लेंगे और मार देंगे। कप्तान जॉन की बात पर सहमत हो जाता है और उसे यहीं छोड़ने का फैसला करता है, जिससे बाकी सभी साथियों को बचा सके। तभी ग्लास का बेटा हॉक ऐसा करने के लिए मना करता है और अपने पिता को ऐसे हालत में नहीं छोड़ने के लिए जिद करता है। कप्तान को भी उस पर दया आ जाती है और वो ऐसे हालत में नहीं छोड़ने की बात करता है। कप्तान कहता है कि जो भी ग्लास की देखरेख के लिए रुकेगा उसे $70 इनाम के तौर पर दिया जाएगा। तभी वहाँ जिम नाम का लड़का वहाँ रहने की बात करता है। तभी जॉन कहता है कि यह बच्चे हैं, ये आदिवासियों का सामना नहीं कर सकते हैं। अगर आप $100 देंगे तो मैं इनके साथ रुकूंगा। और फिर कप्तान जॉन को $100 देने के लिए राजी हो जाता है। तभी कप्तान जॉन को ये भी याद दिलाते हैं कि तुम्हें ग्लास की आखिरी सांस तक उसके साथ रहना पड़ेगा। कुछ देर बाद उनके साथी वहां से चले जाते हैं और फिर जॉन ग्लास का मरने का वेट करता है ताकि वो भी वहां से जा सके और अपने $100 का इनाम पा सके। जब जिम और हॉक शिकार पर चले जाते हैं तो इसी बात का फायदा उठाकर जॉन ग्लास के पास जाता है और उसे कहता है, तुम तो जानते ही हो आदिवासी हमारे आसपास ही हैं, अगर तुम नहीं मरोगे तो वह लोग तुम्हारे बेटे को भी मार देंगे। और फिर जॉन कहता है कि अगर तुम अपने बेटे को जिंदा दिखना चाहते हो तो तुम्हें मरना पड़ेगा। अगर तुम अपनी आंखों को बंद करोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम मरना चाहते हो, तो मैं तुम्हें मार दूंगा। थोड़ी देर बाद ग्लास अपनी आंखों को बंद कर देता है। आखिर ग्लास भी कितने देर आंखें खुली रखता। ग्लास की आंखें बंद होते ही जॉन कपड़े की मदद से ग्लास के मुंह और नाक को दबाकर मारने लगता है,
जिससे ग्लास का दम घुटने लगता है और तभी ग्लास का बेटा वहां आ जाता है और अपने पिता को बचाने के लिए जॉन के माथे पर बंदूक से हमला कर देता है और अपने पिता को बचा लेता है। हॉक जॉन से कहता है कि मैं तुम्हारी सारी करतूतें कैप्टन को बता दूंगा। यह सुनने के बाद जॉन हॉक पर चाकू से हमला कर देता है और फिर उसे वही मार देता है। ग्लास यह सब अपनी आंखों से देख रहा होता है लेकिन वह सोचकर भी अपने बेटे को नहीं बचा पाता। जब जिम पानी लेकर वापस आता है तो वो जॉन से हॉक के बारे में पूछता है तो जॉन कहता है कि वो अभी तक नहीं आया है। यहाँ ग्लास जिम को सच्चाई बताने की काफी कोशिश करता है लेकिन उसके गले में हुए घाव की वजह से वह कुछ भी नहीं बोल पाता। अब अगले सुबह होती है तो जॉन जिम को जगाता है और उसे कहता है कि उसने करीब 40 आदिवासियों को उसकी तरह आते हुए देखा है और उन्हें यहाँ से भागना होगा नहीं तो वह आदिवासी हम दोनों को मार देंगे। और फिर जॉन ग्लास को घसीटकर एक गड्ढे में जिंदा दफना देता है। जिम कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। जॉन उससे कहता है कि तुम ग्लास को गोली मार कर आओ। अब जिम के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है और फिर वो ग्लास से माफी मांगकर वहां से चला जाता है। जाने से पहले जिम ग्लास के पास एक पानी की बोतल छोड़कर जाता है। ग्लास की धड़कन अभी भी चल रही होती है। ग्लास अपने बेटे की मौत पर काफी दुखी होता है। ग्लास हिम्मत कर गड्ढे से निकलने की कोशिश करता है। काफी देर कोशिश करने के बाद गड्ढे से बाहर आ जाता है। भूख और बॉडी की चोट की वजह से ग्लास अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता है। वह अपने पेट के बल घसीट घसीट कर अपने बेटे के पास पहुंचता है जहां जॉन ने उसे मारकर छिपा दिया था। ग्लास हॉक के पास जाकर उसके दिल की हार्ट बीट सुनने की कोशिश करता है लेकिन तब तक वो मर चुका था। दूसरे सीन में जिम जॉन पर शक करने लगता है और उसे पता चल जाता है कि जॉन झूठ बोल रहा है। लेकिन तभी जॉन जिम को चेतावनी देता है कि अगर तुम कैप्टन को कुछ भी बताए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। वहीं ग्लास आदिवासियों से जान बचाते हुए एक नदी के किनारे जा पहुंचता है। नदी पर पहुंचकर जैसे ही ग्लास नदी का पानी पीने की कोशिश करता है तो पानी उसके गले के जरिए निकल जा रही थी क्योंकि भालू ने उसके गले को चीर दिया था। अब ग्लास अपने गले को ठीक करने के लिए गन पाउडर अपने गले पर लगाता है और आग से अपने गले को चिपका देता है। तभी वहाँ कुछ आदिवासी ढूंढते हुए पहुँच जाते हैं। ग्लास उनसे छिपने की कोशिश करता है मगर तब भी वह लोग ग्लास को देख ही लेते हैं। ग्लास अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूद जाता है। नदी का बहाव तेज होने की वजह से नदी ग्लास को कहीं दूर तक बहा कर ले जाता है और फिर ग्लास एक किनारे आ रुकता है। फिर थोड़ी रात होने पर ग्लास को एक जगह आग दिखाई देता है। वह उस आग की ओर बढ़ने लगता है। वहां एक आदिवासी मौजूद होता है जो एक जंगली जानवर को मार कर खा रहा होता है। जब ग्लास उस इंसान के पास पहुंचता है तो वह आदिवासी ने ग्लास पर हमला के लिए तैयार हो जाता है। यह देख ग्लास जमीन पर लेट जाता है और वह उसे ऐसा करने के लिए मना करता है और वो ग्लास पर हमला नहीं करता। जब अगले सुबह ग्लास के शरीर पर चोट के बारे में वो आदिवासी ग्लास से पूछने लगता है तब ग्लास उसे पूरी कहानी बताने लगता है। वह आदमी ग्लास को अपने साथ ले जाता है। तभी वहाँ एक बर्फीला तूफान आ जाता है और ग्लास बेहोश हो जाता है। ठंड से बचने के लिए वह आदिवासी ग्लास के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनाता है और उसके चोट पर दवाई लगाता है। जब अगले सुबह जब ग्लास वहाँ से बाहर निकलता है तो वह देखता है कि उसका दोस्त वो आदिवासी वहाँ नहीं है। ग्लास जब अपने दोस्त को ढूंढने जाता है तो उसे अपना दोस्त एक पेड़ से लटके हुए दिखाई देता है जिसे फ्रेंच लोगों ने मार कर लटका दिया था। फिर ग्लास वहां से आगे चला जाता है। कुछ दूर जाने के बाद ग्लास कुछ फ्रेंच लोगों को देखता है। यह वही लोग हैं जो आदिवासी की बेटी को किडनैप करके रखे हुए होते हैं। तभी ग्लास देखता है कि उन फ्रेंच वालों का सरदार उस लड़की का रेप करने की कोशिश कर रहा है लेकिन ग्लास उस लड़की को बचा लेता है और फिर ग्लास एक घोड़े की मदद से उस लड़की को लेकर वहां से भाग जाता है। अगले सुबह जब ग्लास आराम कर रहा होता है तो वही फ्रेंच लोग आकर उसके पीछे से हमला कर देते हैं और फिर ग्लास उस घोड़े पर बैठकर वहां से भाग जाता है। जब ये लोग पीछा कर ही रहे थे तभी थोड़ी दूर बाद रास्ता खत्म हो जाता है और आगे एक बहुत ही बड़ी खाई होती है। ग्लास बिना डरे हुए खाई में कूद जाता है। इतनी ऊंचाई से कूदने के कारण घोड़े की मौत हो जाती है लेकिन ग्लास पेड़ों से टकराते हुए नीचे गिरने की वजह से बच जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसको होश आता है तो वो देखता है कि तभी वहां एक बर्फीला तूफान आ जाता है। ठंड से बचने के लिए ग्लास उस घोड़े के पेट को चीर कर अंदर घुस जाता है और पूरे रात घोड़े के पेट में ही सोकर गुजारता है। जब सुबह होता है तो तब तक तूफान थम चुका होता है और वह वहां से निकलकर आगे बढ़ जाता है। अगले ही सीन में हमें यह दिखाई देता है कि कप्तान के पास एक इंसान आता है और उसके पास एक बोतल होती है जो जिम ग्लास के पास छोड़कर आया था। जिम उस बोतल को पहचान लेता है और उसे पूछता है कि तुम्हें यह बोतल कहां से मिली। कप्तान को लगता है कि हॉक अभी भी जिंदा है। तभी कप्तान और उनके सभी साथी हॉक को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तभी उन्हें गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है और वह लोग गोली की आवाज़ की ओर बढ़ने लगते हैं तो वह सारे देखते हैं कि उनके सामने ग्लास खड़ा हुआ होता है और यह देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं। ग्लास उन्हें कुछ बताने की कोशिश करता है लेकिन वो तभी बेहोश हो जाता है। अब कप्तान का शक यकीन में बदल जाता है और वह सिपाहियों को जॉन को बंदी बनाने के लिए आदेश देते हैं लेकिन जॉन तब तक वहां से भाग चुका था।
अगले दिन जब ग्लास को होश आता है तो वह कप्तान को सब कुछ बताता है कि कैसे जॉन ने उसके बेटे होक को मारा है। और फिर ग्लास कप्तान से कहता है कि मुझे मेरे बेटे का मौत का बदला लेना है। और फिर कप्तान और ग्लास जॉन को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। जॉन के पैरों के निशान को देखते हुए वह दोनों आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर जाने के बाद कप्तान और ग्लास दोनों अलग अलग दिशा में जॉन को ढूंढने लगते हैं। तभी कप्तान के सामने जॉन आ जाता है और फिर जॉन कप्तान को बंदूक से वहीं मार देता है। ग्लास को इस बात का अंदाजा लग चुका था कि जॉन उसको छिपकर ही मारेगा, इसलिए वह एक प्लान बनाता है। एक लकड़ी को काटकर कप्तान की पीठ पर बांध देता है ताकि वह सीधा होकर घोड़े पर बैठ सके। और फिर ग्लास मरने की एक्टिंग कर रहा होता है, तभी जॉन कैप्टन को ग्लास समझकर हमला कर देता है। लेकिन जब वह पास जाकर देखता है तो वह कप्तान होता है। तभी ग्लास उस पर हमला कर देता है और फिर दोनों के बीच काफी देर तक लड़ाई होती है और एंड में ग्लास जॉन को मारकर नदी में फेंक देता है। और फिर मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।